दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धार्मिक महत्व रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो धार्मिक महत्व नहीं रखती, लेकिन फिर भी हम उसे पवित्र मानते हैं। और कहा जाता है कि जो पवित्र चीजें होती हैं उसके आसपास अपवित्र चीजें नहीं लेकर आनी चाहिए। वैसे उत्तर भारत में, जहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, वहां पर ऐसी कई धार्मिक मान्यताएं हैं और कुछ ऐसी चीजों को पवित्र माना जाता है जिसकी सब पूजा भी करते हैं। एक कुआं भी उसमें से ही एक है। कुएं को पवित्र माना जाता है और खास दिनों में कुएं के आसपास दिए भी जलाए जाते हैं। भले ही अब कुओं का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन पिछले समय से ही जो कुएं बने भी हुए हैं उन्हें भी पवित्र ही माना जाता है। और कहा जाता है कि कुएं के आसपास कोई भी ऐसी अपवित्र चीज जो गलत हो उसे लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर हम ये गलती करते हैं तो हमें उसका फल भी बहुत बुरा मिलता है। और दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, शायद आप कुएं को पवित्र मानते होंगे और आपको इसकी जानकारी होगी, लेकिन जिनको इसकी जानकारी नहीं है, आज की वीडियो मैं उनके लिए ही लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उससे आप समझ पाएंगे कि कुएं को कितना पवित्र माना जाता है। और अगर हम कोई अपवित्र चीज़ किसी पुराने कुएं के आसपास भी करते हैं तो हमें कैसी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक, डरावनी होने वाली है, जो हो सकता है आपकी रातों की नींद उड़ा दे और आपको भी अंदर तक डर लगने लगे। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के फिरोजपुर इलाके के पास के एक गांव की। बात लगभग 15 साल पहले की है। वहां पर एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था आकाशदीप। उस समय आकाशदीप के दो बेटे थे और आकाशदीप जिस गांव में रहा करते थे उनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी। उनकी एक बड़ी सी हवेली थी, 3 मंजिला हवेली, और उस गांव की सबसे अच्छी हवेली। आकाशदीप का स्वभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबसे मिलजुल कर रहा करते थे। आकाशदीप की जो पत्नी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, गांव में वो मुखिया बनने वाली थी। लेकिन उनके बेटे जो बाहर थे, विदेश में सेट हो चुके थे, वहाँ से भी कुछ पैसे भेजने लगे। भले ही उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके बेटे जो विदेश में थे वो कह रहे थे कि आप गांव में एक अच्छा सा घर बना लीजिए। आकाशदीप और उनकी बीवी विदेश नहीं जाना चाहती थी। एक बार जैसे 1-2 महीने के लिए रहकर वो वहां पर आए थे और उसके बाद वापस आकर वो कह रहे थे विदेशों में हमारे लोगों का रहना सही नहीं है, जवान लड़के वहां अच्छे से रह लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, हमारी उम्र पंजाब के इस गाँव में बीती हुई है, वहां जाकर रहना मुश्किल है, अब बची हुई जिंदगी गाँव में ही गुजारना चाहेंगे। अब बेटे ने कहा है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे घर होते हैं और हम जब वापस आएंगे उस हवेली में रहना नहीं चाहेंगे, वो पुरानी हवेली है, अच्छे से ज़रूर बना रखी थी लेकिन थोड़ी पुरानी थी। और बेटे कह रहे थे कि हम वहाँ से रुपए भेजते हैं, आप अच्छा घर बनाइए, ज़मीनें तो इतनी पड़ी हैं, किसी खेत में खेती करना बंद कर दीजिए, बड़ा सा घर बनाइए, गाँव में सबसे ज़्यादा अच्छा। तो जो आकाशदीप था उसने अपनी बीवी से पूछा क्या हमें करना चाहिए। बीवी ने भी कहा कि अकाउंट भरे पड़े हैं, काफ़ी रुपए हैं हमारे पास, वैसे भी वो रुपए हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, बेटे तो विदेश में हैं, खुद हमसे ज़्यादा कमाने लगे हैं, उन्हें हमारे रुपयों की ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं कि अच्छी सी हवेली, अच्छा सा घर बना लो, तो बना लेते हैं ना। तो आकाशदीप ने काम शुरू करवा दिया। अब जो आकाशदीप थे उनके पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें, जहाँ पर वो खेती करवाया करते थे, कई मजदूर रखे हुए थे, और उनमें से उन्होंने एक सड़क के पास लगती ज़मीन को जैसे उसका चुनाव किया कि ठीक है यहाँ पर घर बनाएंगे। एक तो मेन सड़क है, विदेश से बेटे आएंगे, बहू आएगी और उनके बच्चे भी आएंगे, तो यहाँ से एक गाड़ी ले लेंगे और गाड़ी से शहर की तरफ निकल जाया करेंगे, घूमना फिरना उन्हें पसंद होगा ना, तो गाँव के बीच में नहीं बनाएंगे जहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, बिल्कुल सड़क के पास घर बनाएंगे। बड़ा सा पूरा खेत था और पूरे खेत पर वो घर बनाना चाहते थे, थोड़ा सा गार्डन बनाएंगे जैसे विदेशों में होता है वैसा घर बनाएंगे। लेकिन वो जो खेत था ना उसके बीच में एक कुआं भी था। अब ये कुआं सूख चुका था, वहाँ पानी नहीं था, पुराने ज़माने का कुआं था, पहले इस्तेमाल हुआ करता था, अब तो यहाँ ट्यूबवेल लग चुके थे और जैसे
जो सरकारी पानी आता है पाइप से, वो भी गांव में पहुंच चुका था, तो उन्हें इस चीज़ की कोई खास परेशानी नहीं थी। तो सूखा हुआ कुआं था, उन्होंने सोचा अब कुआं भी ऐसी जगह पर है जहां जो हमने नक्शा बनवाया है ना घर का, ये कुआं सही से सेट नहीं हो पा रहा। वो पहले चाहते थे कि कुआं घर में रहे, लेकिन अब इस कुएं को रखते हुए घर में जो नक्शा बनाया जा रहा है ना कमरे, वो सही से सेट नहीं बैठेंगे। अब जो आकाशदीप था वो भी कह रहा था कि कुआं पवित्र होता है, सब कहते हैं। आकाशदीप की बीवी भी कह रही थी हाँ कुएं का अब कर क्या सकते हैं, बंद करवा दें। अब विदेशों में जो बेटे थे वो कहने लगे कुआं, अब ऐसे कुएं खड्डे जो हमारे भी यहाँ पर निकलते हैं ना, उसे भर दिया जाता है और उसका इस्तेमाल भी हो जाता है, आप ही वहाँ पर भर लीजिए। अब सीवरेज सिस्टम गाँव तक नहीं पहुँचा था, तो जो नक्शा उन्होंने पास करवाया, शहर से एक आर्किटेक्ट बुलवाया था, उस आर्किटेक्ट ने अच्छा सा नक्शा बनाया और वो कुएं का इस्तेमाल करने के बारे में भी आर्किटेक्ट सोच रहा था कि कुएं को काफ़ी हद तक भर देंगे। अब सीवरेज का पानी, क्योंकि बाहर पाइप्स तो पड़ी हुई नहीं है, तो गांव में जो सीवरेज के लिए एक बड़ा सा खड्डा बनाते हैं, चारों तरफ दीवार सी बनाते हैं काफ़ी गहरा, और जो वो पानी होता है सीवरेज का वो वहाँ पर रहता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया बनते हैं और धीरे धीरे पानी ज़मीन में धंसता है। ये बिल्कुल बायोलॉजिकल सिस्टम जो गांव में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आर्किटेक्ट का कहना था कि ये जो पानी है ना खड्डा तो पहले से है, इसी में सीवरेज का पानी डलता चला जाएगा। आकाशदीप कह रहा था नहीं, ये तो कुआं पवित्र होता है ना, कुएं के साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगे, कुएं को बंद कर देंगे, सीवरेज वाला सिस्टम ना खेत के दूसरी तरफ से, हमारे पास और खेत है वहां बना देंगे पाइप से। आर्किटेक्ट कह रहा था देखिए इस तरह से जमीनों को छोड़ने लगे ना तो गाँव की ज़मीनें आगे आगे महंगी हो रही हैं, दूसरे वाला खेत भी खराब करेंगे आप, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे नीचे आ जाएगा वो कुआं, सीवरेज वाला सिस्टम तो पूरा कुआं बना हुआ है, ज़्यादा गहरा थोड़ी ना है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा, काम अच्छे से बन जाएगा। आकाशदीप माना नहीं, उसकी बीवी भी मान नहीं रही थी, विदेश में जो दो बेटे थे ना उन्होंने कहा कर लीजिए ना, आर्किटेक्ट इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ पता है, वास्तु सिस्टम भी उसे पता है, सब कुछ पता है, वो कह रहा है तो कर लीजिए। आकाशदीप अपने बेटे को मना नहीं कर पाया, तो उन्होंने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। घर बनने में लगभग 12 महीने का समय लगा, तब तक आकाशदीप उनकी बीवी जाकर घर देखते रहे कि कितना अच्छा बन रहा है। अब उनके पास रुपयों की कमी नहीं थी, हर चीज़ अच्छी बनवा रहे थे, बढ़िया बढ़िया पिलर्स टाइल्स लगने का काम शुरू हो गया, फर्श पर अच्छी सी टाइल्स लग रही थी, मॉडर्न लुक दी गई थी, एक तरफ गार्डन बनाया गया था, आगे पत्थर लगाए गए थे, एक अच्छी मूर्ति सफ़ेद रंग की जो वहाँ पर एक फव्वारा बनाया गया उसके बीच रखी गई, बड़ा अच्छा घर बना दिया था उन्होंने। और उसके बाद रहने का काम करना था, तो उन्होंने शुरू में घर में पूजा पाठ करवाया कि अब घर में रहना शुरू कर देंगे। बेटे विदेश से अभी आना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा 6 महीने, यहाँ पर सीज़न चल रहा है, और उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें खरीद ली थी, तो उन्होंने कहा 6 महीने के लिए हम थोड़ा सा मजबूर हैं, अब 6 महीने ये सीज़न निकल जाएगा ना उसके बाद स्टोरेज वहाँ पर हो जाएगी, और 6 महीने के बाद 2-3 महीने की इकट्ठी छुट्टियाँ मिलेंगी, हम वहाँ पर आ जाएंगे और अच्छे से 6 महीने तीन महीने करके रहेंगे अच्छे से, और हमारे बच्चे तो चाहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा रह कर जाएं, तो हम दोनों भाई आएंगे और अच्छे से रह कर जाएंगे। अब आकाशदीप खुश थे, तो उन्होंने 6 महीने का इंतज़ार करना सही समझा, पूजा पाठ हो गया था, बेटों ने कह दिया था रहना शुरू कर दो, वहाँ पर देखना शुरू कर दो, कोई परेशानी आती है, कोई रिपेयर की चीज़ आती है या कुछ आइडिया आता है ये बनाया जा सकता है घर में, ऐसा कर सकते हैं, हमें बताते जाना, हम आइडिया देते जाएंगे। इस तरह जो आकाशदीप थे उन्होंने घर में रहना शुरू कर दिया। कई बाथरूम बनाए गए थे, जो सीवरेज सिस्टम था ना पाइप से वो कुएं में ही जा रहा था। अब उनके कई रिश्तेदार थे जो घर में आ रहे, पहले 15-20 दिन रिश्तेदार खुद नए घर में रहना चाहते थे, वो तो खुद बुला रहे थे रहकर जाओ ना कुछ हफ्ते कुछ दिन रहकर जाओ, घर में रौनक लगी रहेगी, हमारे बेटे तो बाहर गए हैं ना तो हमसे मिलने के लिए ही आ जाओ। तो कई रिश्तेदार थे जो मिलने के लिए आ रहे थे, भीड़ लग रही थी घर में, और वो भी पकवान अच्छे अच्छे बना रहे, शौचालय का इस्तेमाल भी हो रहा था। इस तरह से 15-20 दिन रिश्तेदार घर में रहकर जा चुके थे। आकाशदीप और उनकी पत्नी अब उन्होंने घर में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद ये कुछ 2-4 दिन उसके बाद हुए होंगे, आकाशदीप को आदत थी सुबह 4 बजे वो उठ जाया करते थे, अंधेरा हुआ करता था लेकिन उनकी आदत थी तो अंधेरे में ही उठकर बाहर सैर के लिए निकल जाया करते थे। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, जो उनकी बीवी थी वो भी सोती थी, उन्हें देर से उठने की आदत थी, वो 6-7 बजे उठा करती थी, फिर घर का काम शुरू कर दिया करते थे, नाश्ता भी काफ़ी देर से किया करते थे, 11-12 बजे के करीब वो, तो उनकी बीवी सो रही थी। आकाशदीप घर से बाहर निकले और आकाशदीप ने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी
बरामदा बना हुआ था बड़े घर का, पीछे सीढ़ियां थी ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए। तो उन्होंने देखा सफेद कपड़ों वाला वो आदमी बरामदे से निकल कर गया दूसरे कमरे में। ये देखते ही जो आकाशदीप था बहुत ज्यादा घबरा गया। पीछे वाला वो कमरा बड़े वाला कमरा था, जो बड़े बेटे को मिलने वाला था जब वो विदेश से आता। एक आदमी सफेद कपड़ों में उस कमरे की तरफ गया है। आकाशदीप को लगा कि चोर वोर घर में आ गया है, अंधेरे में चोरी कर रहा है, देख कर आता हूँ। तो आकाशदीप के हाथ में कुछ आया नहीं, अभी ज़्यादा सामान नहीं रखा था, जो ज़रूरी चीज़ें थी वहीं घर में सजावट के लिए रखी हुई थी। तो आकाशदीप ने क्या किया कि आकाशदीप अब हट्टे कट्टे थे, ठीक है, खेती किया करते थे खेतों में, तो एक क्विंटल के करीब उनका वजन था, तो वो हाथों से ही किसी को भी संभाल सकते थे। तो उन्हें लगा अभी देखता हूँ कौन सा चोर घर में घुसा है। सीधा भाग कर गए वो कमरे की तरफ। अब वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी उस कमरे में नज़र नहीं आया। कमरा ज़्यादातर खाली था, एक बेड लगाया था, पीछे कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाई थी, ज़्यादा उस कमरे में कुछ था भी नहीं। फिर वो देखने लगे कहाँ गया, तो पीछे जो बाथरूम बना है बाथरूम में छिपा होगा। तो बाथरूम में अभी दरवाज़ा लगाया नहीं गया था, उनके बेटे ने कहा था अच्छे वाला दरवाज़ा लगाना है, तो अभी तक दरवाज़ा नहीं लगा था। तो जो आकाशदीप थे उन्हें लगा कि बाथरूम में गया होगा, तो आकाशदीप भाग कर बाथरूम में गए, बाथरूम में कोई मिला नहीं। फिर हक्के बक्के और हैरान से कि आदमी तो मैंने देखा सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छे से देखने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हुए और फिर लगा आंखों का भ्रम हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल साफ साफ तो नज़र आया था। फिर वो बाहर कुछ सैर के लिए गए, घर के अंदर ही रहे और वापस आए अपनी बीवी को, जब 7 बजे उठी ये बताया ऐसे मुझे आदमी नज़र आया था। उनकी बीवी ने कहा आप उठे थे तो सपने में होंगे, इसीलिए भ्रम सा हुआ होगा। लेकिन आकाशदीप को ये पहला आभास हुआ था जब उन्हें कुछ अलग सा लग रहा। दोपहर तक आकाशदीप को बार बार वो बातें याद आ रही। अब दोपहर को वो खेतों की तरफ देखने के लिए जाया करते थे और उनकी जो बीवी थी घर में रहा करती थी। अब यहाँ अच्छे से आ चुके थे इस घर में, उनकी बीवी अकेली थी। अब दोपहर के समय ज़्यादातर खिड़कियों पर वो पर्दे लगा दिया करते थे, घर में अंधेरा सा रखा करते थे, और उनकी जो बीवी थी वो टीवी देखती थी दोपहर के समय ही 1-2 घंटे के लिए। जब उनकी बीवी वो टीवी देख रही तब उन्हें अचानक टीवी के पास से एक आदमी चलता हुआ नजर आया सफ़ेद कपड़ों में। वो देखकर हैरान सी हो गई और वो आदमी बड़ी तेज़ी से निकला। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के पास से ना भ्रम हुआ हो, ऐसे वो सामने टीवी देख रही, यहाँ से कोई निकल कर गया, जैसे ही उन्होंने देखा आंखों के पास पास से निकल गया। इसे वो ये भी नहीं कह सकते कि अच्छे से उन्हें आदमी नजर आया, लेकिन भ्रम ऐसा हुआ कि कोई निकल कर गया। वो घबरा सी गई थी। उन्होंने 1-2 कमरों में चेक किया, उन्हें कोई नज़र नहीं आया। जब शाम के वक्त उनके पति आकाशदीप वापस घर में आए तो उन्होंने बताया। अब आकाशदीप भी कह रहा था कि सुबह मुझे भी नज़र आया और तुम्हें भी भ्रम हुआ, हो सकता है दोनों डर गए इसलिए भ्रम हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सच में कोई भूत वूत तो नहीं जो हमारे घर में नज़र आता है। अगली सुबह जब दोबारा 4 बजे के करीब आकाशदीप उठकर बाहर की तरफ जा रहे, पहले वो घबराए, दरवाज़ा खोला उन्होंने, अब उन्हें ऐसा कोई भ्रम नहीं हुआ। लेकिन अचानक जैसे ही उनका ध्यान किचन की तरफ पड़ा, अब किचन में ज़्यादा सामान नहीं रखा था, खाली खाली सा था, वहाँ टाइल्स कुछ लगनी थी जो बेटे ने कहा था मैं जब आऊँगा तब डिसाइड करूँगा, तो उस किचन में सामने दरवाजे वाली जगह पर एक सफ़ेद कपड़ों में आदमी खड़ा। उसका जो चेहरा था ना, आँखें मुँह कुछ नज़र नहीं आ रहा, जैसे सपाट सा मांस लगा हुआ लेकिन आँखें ना कुछ बनाना हो, सफ़ेद कपड़ों में था। जिसे देखते ही आकाशदीप की जैसे सांस रुक गई। वो समझ गए थे कि ये कोई ऐसा चोर वोर नहीं है जो सामने खड़ा है, ये कोई भूत प्रेत है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। तो वो घबराए सीधा बेडरूम की तरफ भागे। बेडरूम में पहुंचकर अपनी बीवी को ये चीज़ के बारे में बताया। अब बीवी उठकर आई। जब वो बाहर गए तो दोनों ने वो किचन के सामने सफ़ेद कपड़ों में वो आदमी देखा। दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके बाद वो घर के बाहर गए। उन्होंने, अब उनका घर खेतों के बीच था, सड़क के पास लगता, आसपास किसी खेत में घर नहीं बना था, उनके ही तो खेत थे, और काफ़ी दूर जाकर गांव में उन्होंने कुछ लोगों को सुबह सुबह बताया। अब 4-5 बजे गांव में सभी लोग उठ जाया करते थे। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ, गांव के कुछ लोग आए, फिर वो कहने लगे कहीं नहीं है यहां पर, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। वो भी कहने लगे कि इंसान नहीं था, भूत वूत कुछ ऐसी चीज़ थी सफ़ेद कपड़ों वाली। तो गांव वालों ने कहा कि पूजा पाठ कराइए, ऐसे बाबा को बुलाइए या किसी को बुलाइए घर में, हो सकता है आपके अशांति का माहौल है और ऐसे नए घर में हो सकता है भूत प्रेत का वास हो। तो अगले 2 दिनों में उन्होंने पूजा पाठ करवाया घर में और 2 दिनों तक उन्हें वैसा सफ़ेद कपड़ों वाला कोई नज़र नहीं आया। 3रे दिन उन्हें सफ़ेद कपड़ों वाला वो नज़र आया, और 3रे दिन तक भले ही घर में पूजा पाठ हो गया था लेकिन जो आकाशदीप थे उनके शरीर पर काले रंग के धब्बे पड़ने लगे थे।
उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे और निशान से कान के पीछे काले काले से होने लगे, यहाँ निशान बनने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमारी लगी हो। फिर वो डॉक्टर के पास गए। अब घर में सफ़ेद कपड़ों वाला वो आदमी उन्हें नज़र आया करता, हमेशा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता और जब वो दूसरे कमरे में पहुंचते वो गायब हो जाता। कभी किसी दीवार के पीछे खड़ा हुआ उन्हें मिलता तो कभी कहीं मिलता। अब कुछ दिनों तक डॉक्टर को दिखाने के बाद बीमारी समझ में नहीं आई। डॉक्टर ने दवाई दी कि ठीक हो जाएगी, रिएक्शन हुआ है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, निशान और ज़्यादा हो रहे। उन दोनों को भूख लगना बंद हो गई थी, उनका शरीर काला काला पीला पीला सा होने लगा था, जैसे जॉन्डिस हुई हो। डॉक्टर जो टेस्ट करते जॉन्डिस नहीं आती, वैसे आंखें पीली पीली लगती, तो वो जॉन्डिस की दवाई दी थी जिसका असर नहीं हो रहा। अब एक महीना वहाँ रहने के बाद, काफ़ी ज़्यादा डरने के बाद, उनके बेटों ने समझाया ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, भूत वूत ये आपके दिमाग में है, वो मानने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कहा हम हवेली में जा रहे हैं, तो उनके बेटों ने कहा ठीक है हवेली में चले जाइए। वो हवेली में चले गए। अब वहाँ उन्हें सफ़ेद कपड़ों वाला वो नज़र तो नहीं आया, लेकिन शरीर में वो बदलाव हो रहे थे। भूख ना लगना, रात को नींद ना आना, ऐसे आभास होना, ऐसी चीज़ें दिखना जो मौजूद नहीं है, और जैसे खड़े खड़े सपने देखने लगना, जैसे आकाशदीप किसी के साथ बैठे होते ना तो उन्हें आंखों के सामने कुछ दिखने लगता, जैसे सामने बैठा आदमी उसका चेहरा अलग सा लगने लगता। वो अलग नाम से बुलाते कि मनमोहन तू, वो कहता मेरा नाम मनमोहन थोड़े ना है, अबे मैं हूँ। जो उनके दोस्त थे वो इस तरह से बातें करते जैसे उन्हें भ्रम सा हो रहा है। दिमागी हालत उनकी और उनकी बीवी की सही नहीं थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनकी चमड़ी अजीब सी खराब होने लगी थी, उन्हें जैसे ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज नहीं हो रहा। अब 6 महीने बाद उनके बेटे आए और बेटे आकर देख रहे कि उनके पिता की हालत कैसी है, उनकी बीवी की हालत कैसी है, लेकिन उनका कहना था कि दिमागी परेशानी है, इन्हें घर में वापस लेकर जाओ, डर खत्म करना है सफ़ेद कपड़ों वाला जो नज़र आता है। तो वो विदेशों से आए बेटे, अब बड़े बेटे के एक लड़का था एक लड़की थी, अब जो छोटा बेटा था उसका सिर्फ एक बच्चा था 1 साल का, तो घर में रौनक लग गई थी, संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, जो मेहमान थे वो भी आ रहे थे। 5-6 दिनों तक उस नए घर में भी वो रहे, कुछ नज़र नहीं आया और बेटों को लग रहा था कि माँ बाप का डर ख़त्म करना है। लेकिन 6ठे दिन जब उस घर में वो सुबह सुबह थे, आकाशदीप को सफ़ेद कपड़ों में नज़र आया और वो चीख पड़ा। जैसे ही उनके बेटे उठे, उनके बेटों ने सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी देखा। अब वहाँ कई लोगों ने एक साथ सफ़ेद कपड़ों में वो आदमी देखा था, जिस तरफ चलकर गया वो भागकर उस तरफ गए। आकाशदीप कह रहे हैं ज़्यादातर इस कमरे की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भूत है, पूजा पाठ करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, ये ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद वो वहाँ पर गए, देखा कि उस कमरे में बार बार नज़र आता है, उन्हें अगले 3-4 दिनों में नज़र आने लगा था, बच्चों को दिखता, बच्चे बीमार होने लगते, बच्चों के शरीर पर वैसे निशान बन रहे थे, उन्हें लग रहा कि ये छुआछूत की कोई बीमारी है जो हम पर भी असर कर रही है। अब इसके बाद लगभग 10-12 दिन वो उस घर में बिता चुके थे और जो बेटे विदेश से आए थे इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। सामने से देखने के बाद उन्हें लग रहा गड़बड़ हो रही है घर में, ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां भूत प्रेत नजर आते हैं, इतना महल बना लिया लेकिन रहने लायक नहीं हुआ। इसके बाद वो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आकाशदीप ने, जो कि गाँव में कई लोगों ने कहा, आपने कुएं को शौचालय में बदला क्यों, अपवित्र चीज़ की है, कुआं पवित्र होता है, कहते हैं कि देवताओं की जगह ही है जहां से हमें जल मिलता है पीने के लिए, और जल जीवन है, जल का अपमान नहीं किया जा सकता, तो ऐसी जगह आपने शौचालय बना लिया, पीने का पानी जहां इतने सालों से दिया जलाया गया, पूजा पाठ किए गए कि ये कुएं ने हमें जल दिया, इतना जीवन बचाया हमारा, और उस कुएं को आपने शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया, वहां पर पाइप सीवरेज के डाले हुए, इसी कारण ये सब हो रहा है। अब वो घर को तुड़वाना भी नहीं चाहते थे, फर्श को तुड़वाना नहीं चाहते थे। बेटों ने कहा ऐसा नहीं, इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो नज़र आने लगा बेटों को भी, वो कहने लगे इस घर में नहीं रह सकते, हवेली में गए। अब पुरानी हवेली वहाँ रहा नहीं जा सकता था, विदेशों से आए जो 6 महीने रहना चाहते थे वो अब 20 दिनों में जाने को तैयार हो गए। आकाशदीप को लगा कि ये कैसी परेशानी मोल ले ली। 20 दिनों बाद उनके बेटे, दोनों बहुएँ, बच्चे सब वापस चले गए और वो बहुत निराश, इतने समय बाद आए थे, अच्छे से मिल भी नहीं पाए। वो घर के उस कुएं को तुड़वाना है, सीवरेज का सिस्टम और करवाना है, तो सीवरेज की पाइप्स उन्होंने और तरफ डाइवर्ट करवाई, कुएं को भरा, वहाँ पूजा पाठ करवाए, माफ़ी मांगी, सब कुछ किया और उस सीवरेज वाली जगह को आगे कहीं बनाया और उस कुएं को पवित्र करके जैसे फिर बंद किया, अच्छे से मिट्टी डलवा कर, काफ़ी गहरा कुआं उन्होंने बंद करवाया, काफ़ी
पैसे इस्तेमाल हुए, लेकिन ये काम उन्होंने किया और उस जगह को ही उन्होंने ऊपर से मंदिर की तरह बनाया कि इस जगह बिल्कुल कुएं के ऊपर ना कोई शौचालय वगैरह बिल्कुल बनाना ही नहीं है, यहाँ पर तो पूजा का कमरा बनाएंगे। ये चीज उन्होंने की, लेकिन उस घर में वो सफेद रंग का आदमी उन्हें नजर आता रहा। नुकसान तो नहीं कर रहा था, जो बीमारी थी वो भी शरीर में मौजूद रही। बच्चे विदेश गए, वहां पर उन्हें ठीक हो गया, दवाई वगैरह ली, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया था किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो। आकाशदीप और उनकी बीवी की हालत बिगड़ती गई, शरीर पूरा काला हो गया था, जैसे अंदर से अतड़ियां सिकुड़ चुकी थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा ये एक ऐसी बीमारी है, सांस की बीमारी भी हो रही है, खाया पिया लग नहीं रहा, और ये निशान कैसे हैं जो जा नहीं रहे। 6 महीने में आकाशदीप और उनकी पत्नी की मौत हो गई अनजान बीमारी से, किसी को पता नहीं चल पाया। बच्चे विदेश में रहे, निशान छपे रहे शरीर पर, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और वो घर जो उन्होंने बनाया था महल की तरह, वो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। अब भी वो घर वीरान की तरह पड़ा है। विदेशों से अब उनके बेटे वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका परिवार तो वहाँ बसा है, माँ बाप की मौत हो चुकी है, वो घर खाली पड़ा है। तो ऐसे घर में वो वापस आना भी नहीं चाहते थे, जहाँ उनकी बुरी यादें बन चुकी थी। और इसीलिए कहा जाता है पवित्र चीज़ों का इस्तेमाल पवित्र रूप में ही होना चाहिए, पवित्र अपवित्र चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। क्या आपने कभी शमशान घाट के बिल्कुल बीच में मंदिर देखा है, या मंदिर के साथ पूजा स्थल के पास शमशान घाट बिल्कुल साथ, या कोई ऐसी अपवित्र चीज़ शौचालय, या ऐसे मीट मांस की दुकान मंदिर के साथ, जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ विनाश होता है। और पवित्र को पवित्र रहने देना चाहिए, यही जीवन का नियम है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, और क्या आप सही से समझ पाए क्यों कुएं को पवित्र कहा जाता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।